विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सारे प्रेरणाप्रद प्रसंग हैं, इनमें से हम एक दो प्रसंग के बारे में बताना चाहेंगे। एक बार एक स्त्री इनके प्रवचन से बड़ा प्रसन्न हुई, प्रभावित हुई और स्वामी जी के पास आई और उसने कहा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि शादी के बाद आप जैसा गौरवशाली पुत्र मुझे प्राप्त होगा जो मैं धन्य हो जाऊंगी। स्वामी जी ने कहा और विचलित नहीं हुए कि मैं सन्यासी हूँ, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, चाहें तो आप मुझे अपना पुत्र बना लें। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने को विचलित नहीं होने देना है। इसी तरह से और प्रसंग एक जगह आया, किसी ने कहा कि महाराज जी, हम दिन रात काम करते हैं और हमें कोई सफलता नहीं मिलती है, हम तरक्की नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि ये कुत्ता है, इसको जाओ थोड़ी देर टहला के ले आओ। वो ऐसा ही किया, थोड़ी देर बाद कुत्ता वापस लेकर आया और देखा कि ये कुत्ता हाफ क्यों रहा है। और तो उन्होंने कहा कि ये इधर उधर भटक रहा था, इसलिए ये हाफ रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि जब तक कि आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए तब तक आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना चाहिए। ये इसीलिए थक गया है क्योंकि इसको मंजिल मिलने में समस्या इसीलिए आई है क्योंकि यह इधर उधर भटक रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, उनका ये लक्ष्य था, उनका ये ध्येय वाक्य था कि उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो विवेकानंद जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे, उनका जीवन हम सभी के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक है। हमें इनकी जीवनी से, इनके अध्यात्म से हमें बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जो है इन्होंने बहुत कुछ भारत को दिया हुआ है। अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।